इस बीच मामले को तूल पकड़ता देखा जा रहा है। पटौदिया भी अपने बयान पर सफाई दी। उनका कहना है कि मैं महात्मा गांधी की विचारधारा पर चलने वाला व्यक्ति हूं। मेरा बोलने का उद्देश्य नरेंद्र मोदी की हत्या करना नहीं बल्कि अगले चुनावों में उन्हें पराजित करने का था। लेकिन पटेरिया की सफाई से भी भाजपा संतुष्ट नहीं है। अपेक्षा होती है तो विपरीत परिणाम आते हैं। और जो जीत होती है वो कार्यकर्ताओं की कर देगा, मोदी धर्म जाति भाषा के आधार पर बांट देगा, दलितों को आदिवासियों को और अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है। संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करना। माननीय मोदी जी जनता के दिलों में बसते हैं, संपूर्ण देश की श्रद्धा और आस्था के केंद्र हैं। मैदान में उनसे मुकाबला नहीं कर पाते कांग्रेस के लोग, और इसलिए कांग्रेस के एक नेता मोदी जी की हत्या की बात कर रहे हैं। यह विद्वेष की पराकाष्ठा है, यह घृणा की अति है। कांग्रेस के असली भाव प्रकट हो रहे हैं, लेकिन ऐसी चीजों को सहन नहीं किया जाएगा। FIR की जा रही है और कानून अपना काम करेगा। बयानों को मैंने सुना, उससे स्पष्ट हो रहा है कि अब ये महात्मा गांधी की कांग्रेस नहीं है। उन्होंने खुद ही समाप्त कर दिया था आजादी के बाद। ये इटली की कांग्रेस है और इटली की मानसिकता मुसोलिनी वाली रहती है। जिस तरह से उनकी यात्रा में स्वरा भास्कर, कन्हैया कुमार, सुशांत जी चल रहे हैं ना, उससे भी स्पष्ट हो जाता है माननीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ इस बेहद आपत्तिजनक बयान जो माननीय पटेरिया जी ने किया है, मैं तत्काल FIR कराने का SP को निर्देश दे रहा हूं। मंडलम सेक्टर के कार्ड वितरण में पवई के दौरान एक वीडियो जारी हुआ है, जिसमें मुझे बताया गया है कि मैं बोला कि मोदी की हत्या कर दो। मैं गांधी को मानने वाला आदमी हूं, गांधी की मानने वाला आदमी हत्या की बात नहीं कर सकता। वो वीडियो गलत तरीके से पेश किया गया है। मेरा कहने का आशय था कि राजनीतिक चुनाव क्षेत्र में उनको पराजित दिला के इस देश का संविधान बचाओ, अल्पसंख्यकों का, दलितों का और आदिवासियों की रक्षा करने के लिए, बेरोजगारी हटाने के लिए मोदी को पराजित करना आवश्यक है। मेरा उद्देश्य हत्या के को लेकर गलत